गंगा हिमालय की गोद से निकलके हिंदुस्तान की सरजमी पे खेल के हजारों पापों को समेटे हुए जहां समुन्दर की प्यास बुझाता है उसे गंगा सागर कहते हैं। जहां नहाने से सारे पापों का अंत हो जाता है वहां भगवान चाहे तो ही पहुंचना मुमकिन है। तो अपनी आज की यात्रा है इसी के नाम, गंगा मैया के नाम, कपिल मुनि के नाम और गंगा सागर के नाम। तो चलिए चलते हैं आज की यात्रा पर। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलकाता। तो भाई ये ब्लॉग हिंदी में ही मैं बना रहा हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अभी आज गंगा सागर यात्रा के लिए, और मेरे पीछे है सौविक, वो कल आया था दुर्गापुर से, फिर वो और हम यहाँ से निकल गए, मतलब मेरे घर से ठाकुर बुगुर में, और आगे जाएंगे आमतला बोल के एक जगह है तो वहाँ पर विशाल मीट करेगा। तो थोड़ा बहुत हिंदी में अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, मुझे उतना खास हिंदी नहीं आता है, फिर भी मैं ये ब्लॉग हिंदी में ही बना रहा हूँ क्योंकि मेरे लास्ट कुछ वीडियो में कमेंट आ रहा है क्योंकि भैया हिंदी में ब्लॉग बनाओ, हिंदी में ब्लॉग बनाओ, तो इसलिए मैं हिंदी अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरा पहला ब्लॉग है हिंदी में, और चलिए आप लोग को दिखाएंगे गंगा सागर का मेला और गंगा सागर का यात्रा जो बोल सकते हैं। और फिलहाल अभी टाइम हो गया है 4:10, आज का ये राइट नहीं मैं बोलूँगा, ठीक है, हम लोग के लिए ये गंगा सागर यात्रा है, तो गंगा सागर यात्रा के लिए ये ब्लॉग होगा, और जो जो देखने मिलेगा आप लोग को पूरा दिखाऊंगा वहाँ का माहौल कैसा है। मेरा भी ये फर्स्ट टाइम गंगा सागर यात्रा है, अभी तक कभी नहीं गया हुआ, तो चलिए आप लोग को भी घुमा देते हैं और वीडियो में बने रहे। पर देख लो ये पूरा फॉग रास्ते पर पड़ा हुआ है, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फॉग लाइट चला का भी कुछ नहीं दिखा रहा है, मतलब ये जो इलाका है ना, ये जो रास्ता पड़ता है, ये पूरा दोनों तरफ पूरा ज़मीन और ज़मीन है, तो इसलिए इधर ज़्यादा ही ज़्यादा फॉग होता है। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग बढ़ते रहें और आप लोग को सब कुछ जानकारी देते रहेंगे, ठीक है, चलिए। तो दोस्तों पूरा देख लो ये पूरा लाइन लगा हुआ है, गाड़ी का पूरा जाम हो गया इधर। तो हम लोग तो दाहिने तरफ राइट साइड लेके आ रहे हैं, पूरा कितना जाम देखो, कितना जाम भाई, इधर देखो भाई, कुछ हुआ है इधर, इतना इतना पूरा जाम लगा हुआ है भाई। बाइक अलाउ नहीं তাহলে এখানে পার্কিং করতে হবে না, সাতটা পর কি বাইক চলে যাবে। দোস্ত ইয়ে হে জায়গা কো বলতে নতুন রাস্তা মোর, মতলব নয়া রাস্তা মোর, তো ইয়া সে যাতে হে গঙ্গা সাগর। আর ফিলহাল আবি পেলে বাতায়া থা 7 জানে দেঙ্গে, লেকিন ফির শিডিউল চেঞ্জ হুয়া হে, বোল রহে হে আবি কোই ঠিক নেই হে, শায়দ 10 ভি হো সকতা হে। তো আবি ইধর সে হাম লোগ নেই জায়েঙ্গে, হাম লোগ ইধর সে সিধা নিকল জায়েঙ্গে नामखाना की तरफ, नामखाना से हम लोग वैसल मतलब वहाँ से अवेलेबल है, इधर से भी वैसल बंद है। तो दोस्तों यहाँ से लाइन देखो कितना, बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है इधर से और इधर से भी। दो बजे में अभी 7 बाकी है, अभी तक हम लोग लॉन्च की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी उधर घूमने मिला है, ठीक है, वैसे जाना है मेरी घाट, तो चले आगे जाके आप लोग को पूरा जानकारी देते हैं।
এখন সিচুয়েশন এতটাই ভালো, আমরা তিনজন যাচ্ছি ঝুলে ঝুলে, একটাই ক্যামেরা আছে আর বাকি সব ঝুলছে। तो दोस्तों एक बात कहूँगा, कभी मकर संक्रांति के दिन मत आना गंगा सागर, मतलब हैरान पड़ जाओगे। ठीक है, अभी हम लोग को 2.5 किलोमीटर पहले उतर दिया हम लोग यहाँ से, अभी पैदल जाएंगे पैदल। ठीक है, पूरा जाम देखो सामने पूरा जाम। तो फिलहाल जब तक ये जाम नहीं छोड़ेगा तब तक हम लोग पैदल ही पहुंच जाएंगे। अभी देखो हम लोग कहां से निकल रहे हैं। ठीक है, गाड़ियों के बीच से, मतलब साइड में जगह नहीं है, माहौल कुछ ऐसा है और सीन कुछ ऐसा था। ठीक है, तो फाइनली हम लोग अभी पहुंच गए कपिल मुनि आश्रम, जो है कि मेरे दिल के सामने। ठीक है, अभी भी अंदर नहीं हुआ, जल्द मतलब पहुंच गए। अभी देख लो एक बार ये मंदिर को पूरा सजा के रखा हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहा है, एक बार देखो। श्री हरि के पाद नख से जन्म तेरा। मंदिर को आप लोग को दिखा दिया और अभी दिखा देंगे यहाँ का जो नागा समाज से होता है वो आपको दिखा देंगे। चलिए, आप लोग को बता रहे थे नागा समाज से तो सब इधर ही है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो है मैं फिलहाल घुमा के दिखाएंगे। पुराण अनुसार महाराज सागर ने जब अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था तब देवराज इंद्र ने उस अश्व को लाके धरती लोक में कहीं पर छुपा दिया, और जब महाराज सागर के पुत्र ने यहाँ पर आके देखा तो उस अश्व के पास ध्यान में मग्न एक ऋषि को देखा, तो उन्होंने ही उसको ही दोषी सब्यस्त कर लिया। वो ऋषि था कपिल मुनि, उनको ये आरोप लगाने के जरूरत में उन्होंने अभिशाप देके महाराज सागर के पौत्रों को भस्म कर दिया। और फिर जब उनके पौत्र यहाँ पर आके मिन्नती किया कि उनके पिता और बाकी के पुरख जो कपिल मुनि के क्रोध के माध्यम से भस्म हुए उनका मोक्ष प्राप्ति के लिए, तब कपिल मुनि ने उनसे कहा कि अगर गंगा यहाँ पर स्वयं प्रकट होगा तो ही इनको मोक्ष मिलेगा। भोगीरथ के विनती पर गंगा स्वर्ग से धरती लोक पे कदम रखे और फिर यहाँ पर आके सागर से मिले, बन गया ये गंगा सागर हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा पुण्य भूमि। तो फिलहाल अभी हम लोग आ गए वो घाट पे जहाँ पर मकर संक्रांति के दिन यहाँ सब संक्रांति जो आते हैं तो यहाँ डुबकी लगाते हैं। तो इधर देखो माहौल कुछ ऐसा है, लाइटिंग वाइटिंग वगैरह सब कुछ है, और इधर से हम लोग अभी आए हैं, माहौल कुछ ऐसा है। अभी भी नहाना चल रहा है नीचे। ठीक है, तो और नीचे हम नहीं जाएंगे, यहीं तक जा पाएंगे। तो यहाँ क्या सीन है, यहाँ सीन है जो मकर संक्रांति दिन होता है, मतलब जो होता है ना जो पाप करने के पुण्य मिलता है, तो पुण्य के लिए ये सब डुबकी लगाते हैं। अगर मैं कुछ गलत बोला हूँ तो आप लोग इस कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मुझे उतना जानकारी ज़्यादा नहीं है, जो भी जानकारी है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये है गंगा सागर का जो मेन है, सब लोग यहीं आके डुबकी लगाता है। आश्रम ठीक मेरे ऑपोजिट ये गेट से जाना होता है। ठीक है, गेट बहुत अभी बना हुआ है लेकिन ये एक नंबर गेट है, उधर शायद और भी होगा। ठीक है, हम लोग इधर से आए, उधर भी है पूरा भरा, पूरा फीस देखो पूरा भरा हुआ है, इधर स्पीड बोर्ड भी लगा हुआ है। डुबकी लगाने के चक्कर में कोई ज़्यादा दूर ना चले जाए इसलिए वहाँ क्या मार्क किया हुआ है टाइप का, मतलब एक बॉर्डर टाइप का बना हुआ है ताकि कोई अगर मान लो इनकेस अगर कोई खुद के अपने मस्ती में थोड़ा सा अंदर चला जाए हाँ। तो कोई एक्सीडेंट ना हो और वो टपक ना जाए, ज्यादा दूर भी नहीं जाए, वो उसके अंदर रहना पड़े, बॉर्डर टाइप का ही कह सकते हो ताकि सब सेफ रहे। और ऑब्वियसली ये पुण्य कमाने का जगह है तो कोई मर हाँ। जाएगा तो बहुत बुरा। लेकिन एक चीज यहाँ का है जो मैं बताना होगा, यहाँ का जो सिक्योरिटी है बहुत टाइट है। ठीक है, मतलब हम लोग को आने में तो हालत निकल गया लेकिन कुछ
नहीं ये आना तो होगा ही ऐसे ही करके, सबके लिए जो रूल्स है मेरे लिए भी हमारे लिए भी एक ही रूल्स है। तो ठीक है चलिए अभी का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है सपोर्ट कीजिए। और थोड़ा दिक्कत होगा मतलब मुझे उतना अच्छा खासा हिंदी नहीं आता, फिर भी कोशिश करूँगा आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। इसी बात पे मिलते हैं अगला कोई नया ब्लॉग में, अगला कोई नया एपिसोड में। तो अब तक यहीं का ये जो गंगा सागर यात्रा है यहीं ख़त्म हो रहा है हम लोग का। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, सीधा कलकत्ता जाने का है आज ही। तो चलिए